हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा था। प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि वर्तमान पर केंद्रित होता है। इसलिए इसे अल्पावधिक भी बोलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला भी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है, जो हमने पढ़ना है, वो है हमारा विकास, डेवलपमेंट। विकास को डेवलपमेंट कहा जाता है। तो क्या है विकास की परिभाषा? और एक चीज़ अच्छे से समझ लें, प्रशिक्षण अल्पावधिक होता है, विकास दीर्घावधिक होता है। प्रशिक्षण जो होता है वो वर्तमान पर आधारित होता है, विकास जो होता है वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है, मुख्य रूप से भविष्य के लिए होता है। चलिए परिभाषा नोट कीजिएगा। व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि, अंडरलाइन कीजिएगा, पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं है, कोई और फ्रेज नहीं है, यही आपको याद करना पड़ेगा। कई सारी बुक्स रेफर करने के बाद में ये वर्ड जो है वो समझ में आया है, क्योंकि अगर हम विकास में विकास ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे, परिभाषा में अगर उसी शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वो परिभाषा उतनी वैलिड नहीं लगती है। इसलिए विकास का दूसरा नाम पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि है। तो व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम जो है वो विकास कहलाता है। लिख लीजिए परिभाषा। तो व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित कार्यक्रम को विकास कहते हैं। इसमें अब पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि का मतलब क्या है? इसमें मेनली तीन चीजें हैं, तीन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। कौशल का विकास, व्यक्तित्व का विकास, परिपक्वता का विकास। कौशल का विकास जो हम ट्रेनिंग में करते हैं, प्रशिक्षण में करते हैं। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है और उसके मेच्योरिटी लेवल में चेंज आता है। परिपक्वता का विकास होता है। तो पूर्ण रूपेण उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास भी होता है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो कौशल का विकास, व्यक्तित्व का विकास, परिपक्वता का विकास, ये सब चीज़ें मिलाकर हम पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि कहते हैं। टोटैलिटी में वो चेंज हो जाता है व्यक्ति। और विकास जो है वो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है। जैसे कि कौशल का विकास जो है वो केवल प्रशिक्षण है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बदल गई, मेच्योरिटी लेवल आ गया, भविष्य के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया। तो इसलिए विकास जो है वो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए है। प्रशिक्षण अल्पकालीन है और विकास जो है वो दीर्घकालीन है। अब आगे बात करते हैं प्रशिक्षण और विकास में अंतर की। वीडियो को पॉज करके परिभाषा नोट कर लीजिए। अब प्रशिक्षण और विकास में अंतर डिस्कस करेंगे। अंतर टेबल की फॉर्म में लिखा जाएगा और आप देख सकते हैं तीन पॉइंट्स ये हैं और इतने ही तीन पॉइंट्स ये हैं। तो टोटल 6 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। तो इसलिए पूरा एक पेज पे आप लाइन खींच सकते हैं। आधार के लिए कॉलम बना सकते हैं, एक कॉलम आधार के लिए, एक कॉलम प्रशिक्षण के लिए और एक कॉलम विकास के लिए बनाएंगे और एक एक करके उसको नोट करते जाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना लीजिए, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले अर्थ परिभाषा हमने लिखी है। प्रशिक्षण की परिभाषा हमने लिखी थी, किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि। यहाँ पर वर्तमान लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पर वर्तमान लिख लीजिए। किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। और विकास की परिभाषा, व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम हमारा विकास कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन। सेकंड पॉइंट, उद्देश्य, क्यों प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि वो अपने काम को बेहतर कर सके। तो प्रशिक्षण देने का उद्देश्य होता है बेहतर कार्य निष्पादन, ताकि कर्मचारी अच्छे से काम करे। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी को बेहतर कार्य निष्पादन के योग्य बनाना होता है, ताकि वो काम को अच्छे से मन लगाकर कर सके। विकास में बार बार यही फ्रेज हमारा रिपीट होगा, विकास का उद्देश्य व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि है। क्या है विकास का उद्देश्य? व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। थर्ड पॉइंट, केंद्र, प्रशिक्षण का केंद्र कार्य केंद्रित है। प्रशिक्षण जो है वो कार्य केंद्रित है। प्रशिक्षण में प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति उस कार्य को करने में निपुण हो सके, जबकि विकास जो होता है वो व्यक्ति केंद्रित होता है। व्यक्ति केंद्रित मतलब आदमी की पूरी पर्सनैलिटी बदलने का प्रयास किया जाता है विकास के अंदर। हमने कहा था ना, विकास में उसका व्यक्तित्व बदला जाता है, परिपक्वता बदली जाती है, उसमें मेच्योरिटी लेवल चेंज किया जाता है।
तो यह कार्य केंद्रित है, यह व्यक्ति केंद्रित है। पहले वीडियो को पॉज करके ये तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले तीन पॉइंट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षेत्र, स्कोप। प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित होता है और विकास का क्षेत्र व्यापक, या यहाँ पर हम इसको विस्तृत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? विस्तृत भी कह सकते हैं, बहुत बार विस्तृत वर्ड यूज होता है। तो प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसमें केवल किसी विशेष कार्य पर जोर दिया जाता है, जबकि विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्ण विकास पर जोर देता है। लिख लीजिए इसको। फिफ्थ पॉइंट, वर्तमान या भविष्य? बताइए। प्रशिक्षण वर्तमान के लिए होता है, विकास मुख्यतः भविष्य के लिए, लेकिन वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है। तो प्रशिक्षण का प्रयोग केवल वर्तमान कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग वर्तमान और भविष्य दोनों की कुशलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये छठा पॉइंट अभी बात करते करते दिमाग में आया कि हमें ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड करना चाहिए था। सो हमारा सिक्स पॉइंट जो है वो अवधि का है, ड्यूरेशन का है। प्रशिक्षण जो होता है वो अल्पकालीन होता है, अल्पावधि, फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, और जो विकास है वो दीर्घकालीन होता है, आगे तक व्यक्ति के काम आता है। इसको जॉब ओरिएंटेड बोलते हैं, इसको कैरियर ओरिएंटेड बोलते हैं। जॉब ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि उस काम को, उस विशेष काम को करना आ जाता है व्यक्ति में। कैरियर ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि व्यक्ति अभी तो जो सीख रहा है वो सीख ही रहा है, आगे बढ़ने के लिए भी, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के भी लायक हो जाता है वो। तो सिक्स पॉइंट्स हैं प्रशिक्षण और विकास के, दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अर्थ, प्रशिक्षण का मतलब विशेष कार्य को करने के लिए ज्ञान कौशल, वर्तमान ज्ञान कौशल में वृद्धि, और विकास के लिए क्या कीवर्ड याद रखेंगे? पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। दूसरा उद्देश्य, प्रशिक्षण का उद्देश्य काम अच्छे से कर पाए, विकास का उद्देश्य उसका पूर्णतम विकास हो। केंद्र, एक कार्य केंद्रित, एक व्यक्ति केंद्रित। कौन सा कार्य केंद्रित? प्रशिक्षण। कौन सा व्यक्ति केंद्रित? विकास। जब भी मुख्य डिफरेंसेस लिखे, अंतर लिखे, तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। जैसे पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि को अंडरलाइन करना, वर्तमान ज्ञान कौशल को अंडरलाइन करना, तो ये काम आप जरूर करें ताकि एग्जामिनर को पूरा सेंटेंस ना पढ़ना पड़े। फोर्थ पॉइंट हमारा क्षेत्र है। किसका क्षेत्र सीमित, किसका क्षेत्र विस्तृत? प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित, विकास का क्षेत्र विस्तृत। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान के लिए प्रशिक्षण, वर्तमान प्लस भविष्य के लिए विकास। लास्ट पॉइंट अवधि या ड्यूरेशन, कौन अल्पकालीन कौन दीर्घकालीन? अल्पकालीन प्रशिक्षण और दीर्घकालीन विकास। ओके, इसे नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम नियुक्तिकरण का महत्व डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट क्लास में आपका नियुक्तिकरण वाले चैप्टर का क्विज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसके साथ में अच्छे से चैप्टर को तैयार करके आइएगा। थैंक यू।